तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दुहाई स्टेशन और दुहाई डिपो। मैं कितना कुछ वर्क हो चुका है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए केपी संत के साथ में, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि NCERTC द्वारा बहुत तेज़ी के साथ में वर्क किया जा रहा है और इस डिपो को कंप्लीट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं, क्योंकि डिपो बहुत तेज़ी के साथ में जो वर्क हो रहा था वो कंप्लीट सही हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बाकी बचा, बाकी कंप्लीट हो चुका है डिपो दुहाई का गाइस। और ये आता है उत्तर प्रदेश इंडिया में। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक की लाइन है वो भी यहाँ पर सारे सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया, और हम यहाँ पर लाइन लानी बाकी है। और देखिए ये कि ये तीन साइड है जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और ये है NCERTC का ऑफिस राइट वाला, और लेफ्ट वाला यहाँ पर जो धुलाई होगी RRTS की, उसके लिए ये साइड बनाए गए हैं तीन साइड गाइस। तो देख सकते हैं ये ट्रैक बिछाया जा रहा है ये। और आपको बता दूँ, जब ये डिपो स्टार्ट हुआ था बनना, तभी यहाँ पर ये RRTS का इंजन ला दिया गया था। देखिए वो ये शो पीस के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ये भी चलाया जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसके अंदर से होकर जाएगी RRTS, जो इसका मेंटेनेंस होगा वो इसी के अंदर होगा गाइस। तो ये भी कंप्लीट कर लिया गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और इस पर इधर राइट हैंड पर ये बॉल भी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि पहले ये बॉल नहीं थी, अब ये बॉल खड़ी कर दी गई है, और ऐसे ही ये कर दी जाएगी पूरे में। तो देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो दुहाई डिपो का जो स्टेशन है और जो टीन सेड इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। अब इस पर जो टीन सेड है वो भी इस पर कवर्ड की जाएगी जल्द ही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस पर अब तीन सेट कवर्ड होना है बस, बाकी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है इसी जगह पे, और इंटरचेंज जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही यहाँ पर ये देखिए ये लाइटें लगा दी गई हैं, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये लाइटें लगी हुई हैं, सिग्नल लगा दिए गए हैं, और सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि RRTS एक रूट से दूसरे रूट पर कनेक्ट की जा सके, जो इसके ट्रैक हैं उन पे एक दूसरे ट्रैक पे चेंज कर सकें। तो यहीं पर ये इंटरचेंज बनाया गया है, और इस पर भी अभी बॉल उठानी बाकी है, देख सकते हैं ये साइड में ये बॉल लगाई जानी है ताकि यहाँ से कोई आ जा ना सके गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, और यहाँ से ये ऊपर एलिवेटेड हो जाएगी गाइस, आप लोग देख सकते हैं अपनी नज़रों से। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, लाता रहता है और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है गाइस। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, देख सकते हैं NCERTC द्वारा वर्क चल रहा है, और यहाँ पर ये GCB लगी हुई है, खुदाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये बिजली की लाइन डाली जाएगी, यानी कि जो पाइपलाइन है वो डाली जाएगी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। और देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोरिंग का काम किया जाना है, ये फ्लोरिंग का काम हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये फ्लोरिंग की जा रही है यहाँ पे। और तो बन के बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अगले साल मार्च में कंप्लीट करके देना है, क्योंकि साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में पहली RRTS चलाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रेन आ चुकी है, और उसके 6 कोच भी आ चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है, NCERTC द्वारा तेज़ी के साथ में वर्क चल रहा है, दिन रात वर्क यहाँ पर हो रहा है गाइस। और आप लोगों के ऐसी ही तस्वीरें मैं लाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि कितना कुछ वर्क हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोरिंग की जा रही है, और इस पर तो फ्लोरिंग हो चुकी है, क्योंकि ये आ रहा है आपको बता दूँ एलिवेटेड, जो हमारे NCR का गोल चक्कर है गाइस, वो जा रहा है यहाँ से गुजरता हुआ, और इसके साइड में ही डिपो है गाइस। और ये आ जाता है दुहाई का स्टेशन, ये सीधे वाले जो खंभे चमक रहे इधर वाले, ये चले जाते हैं क्या कहें मेरठ के लिए, और जो उधर वाली लाइन चमक रही वो जा रही है डिपो के लिए। तो आप ही देख सकते हैं आ गए यहाँ पर ये
गटर लॉन्चिंग होनी है, क्योंकि इस पर ये पिलर कैप का काम किया गया। पिलर कैप का काम होने के बाद में इस पर ये गटर लॉन्चिंग की जाएगी गाइस, इन पर सब पे ये गटर लॉन्चिंग होनी है, क्योंकि अभी एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं सेटिंग लगी हुई है और इसको पिलर को भर दिया गया है। देखिए ये कम्प्लीट हो चुका है, और आपको बता दूँ कि यहीं पर ये लॉन्चर लगा दिया, जो कि इसका मुँह है मेरठ की साइड में गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से गटर रखे जाते हैं। गटर लॉन्चिंग होने के बाद में इस पर फ्लोरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर को इस लॉन्चर ने कनेक्ट भी कर दिया है गाइस, क्योंकि अब इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, जो कि आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए किस तरीके से ये पिलर जोड़े जाते हैं, क्योंकि ये जो इसके जो बीच का सेगमेंट है वो यार्ड में बनाया जाता है, और जिसके जो राइट और लेफ्ट के जो कोने हैं वो यहीं पे जोड़े जाते हैं। इस पर देखिए ये सेटिंग लगी हुई है, ये जोड़ दिया गया है, इसको कंक्रीट की मदद से भर दिया जाता है। दूसरा लॉन्चर ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और उस साइड का जो पोजिशन है वो जाएगा दुहाई डिपो के अंदर गाइस। तो यहीं से ये इंटरचेंज बनाया जाएगा, जहाँ से ये स्टेशन स्टार्ट होगा वहीं से ये इंटरचेंज बनाया जाएगा, कि एक चला जाएगा दुहाई के अंदर, दूसरा चला जाएगा मेरठ के अंदर के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं ये नीचे वाला पार्ट है वो भी बन के कम्प्लीट हो चुका है, और इस पर गटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गटर लॉन्चिंग होने के बाद में इस पर फ्लोरिंग की जाएगी। और ऐसा ही इसके सेकंड फ्लोर पे भी है, जहाँ से हम इस RRTS पे चढ़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ जगह इस पर फ्लोरिंग कर दी गई है, और कुछ जगह फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, गटर लॉन्चिंग हो रही है गाइस। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव है आप सभी का, तो हमें नीचे कमेंट करके बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दिया करो कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों को लाता रहूँगा और आप लोगों को इंटरटेन करता रहूँगा गाइस, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। तो देखने के लिए तैयार रहिए, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। जैसे ही मैं कोई वीडियो घेरूँगा वैसे ही आप लोगों को तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, और आप लोगों को देखना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है गाइस। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो इन्जॉय।